ऊना के हरोली में कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन का आयोजन किया गया। नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री के गृह विधानसभा क्षेत्र में आयोजित सम्मेलन में पूर्व सीएम वीरभद्र सिंह बतौर मुख्य अतिथि शामिल हुए। वहीं कांग्रेस के सह प्रभारी गुरकीरत सिंह कोटली व कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर विशेष रूप से उपस्थित रहे। इस दौरान पूर्व सीएम वीरभद्र ने बीजेपी प्रदेश सतपाल सत्ती की विवादित टिप्पणियों पर उनका मानसिक संतुलन खराब होने की बात कही है। हालांकि उन्होंने सती की जुबान काटने पर इनाम की घोषणा करने वाले कांग्रेस नेता विनय शर्मा को गलत बताया है। हिमाचल जैसे सुहाने प्रदेश में इन दिनों लोकसभा चुनावों की गर्मी से प्रदेश में सियासी तापमान पिछले सारे रिकॉर्ड तोड़ रहा है। नेताओं द्वारा आरोप प्रत्यारोप पूरे उबाल पर हैं। इसी कड़ी में हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र के ऊना जिला के हरोली विधानसभा क्षेत्र में कांग्रेस के ओबीसी सम्मेलन में दिग्गज नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हल्ला बोला, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री वीरभद्र सिंह, नेता विपक्ष मुकेश अग्निहोत्री, कांग्रेस के सह प्रभारी गुरकीर सिंह कोटली और कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष कुलदीप राठौर शामिल रहे। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री ने मीडिया के साथ बातचीत करते हुए बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की विवादित टिप्पणी पर उनका मानसिक संतुलन खराब होने का दावा किया। उन्होंने प्रदेश के मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर द्वारा सत्ती का बचाव करना उनकी मजबूरी करार दिया। वीरभद्र सिंह ने हालांकि सत्ती की जुबान काटने पर इनाम की घोषणा करने वाले कांग्रेस नेता व अधिवक्ता विनय शर्मा की आलोचना करते हुए उनकी टिप्पणी को गलत करार दिया। जिस प्रकार से वो अंटिशेंट बोल रहे हैं, मैं समझता हूँ कि वो उन्होंने अपना मानसिक संतुलन खो दिया है। तो सर, जिस तरह से सीएम जयराम ठाकुर उनका बचाव करते नजर आए हैं इस पूरे मामले में, उसको लेकर क्या कहना चाहिए? अब क्या करें, ये मुख्यमंत्री की ये मजबूरी है। जब आप पार्टी के प्रेजिडेंट वो जानते होंगे, जिस में तो गलत काम कर रहे हैं, तो उनको उनका बचाव तो करना ही पड़ेगा। कांग्रेस कार्यकाल में एडवोकेट जनरल रहे जो विनय शर्मा है, उन्होंने जो 20 लाख रुपए सत्ती की जुबान काट कर लाने वाले को घोषित किया है, तो कहां तक जायज मानते हैं इस तरह की? ऐसी बातें तो नहीं करनी चाहिए। वहीं ओबीसी सम्मेलन में कांग्रेस के हिमाचल अध्यक्ष कुलदीप राठौर ने बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सत्ती की विवादित टिप्पणियों पर उनकी आलोचना करते हुए कांग्रेस विचारधारा के विपरीत जाकर आरएसएस की प्रशंसा कर डाली। राठौर ने आरएसएस को देश में अच्छे संस्कार देने वाला और बेहतर संस्कृति निर्माण वाला संगठन बताया। उन्होंने सत्ती पर आरएसएस संगठन की छवि खराब करने के आरोप तक लगाए। देखिए, मुझे लगता है कि जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष ने टिप्पणी की है, अमर्यादित है, और एक प्रदेश के अध्यक्ष से इस बात की उम्मीद नहीं की जा सकती। और वो उस संगठन से आते हैं, आरएसएस से, जहां देश के संस्कारों को, कल्चर की बात होती है, लेकिन इस तरह की टिप्पणियां करके उन्होंने ना केवल उस संगठन की गरिमा को ठेस पहुंचाई है, और एक राष्ट्रीय पार्टी जो केंद्र में नेतृत्व करिए, हिमाचल में नेतृत्व करिए, उसकी साख को भी जो है भट्टा लगा। लेकिन मैंने देखा है कि पिछले कुछ समय से भारतीय जनता पार्टी को हार सामने नज़र आ रही है, इसलिए दिल्ली में भी और हिमाचल में भी जो है भारतीय जनता पार्टी के नेता जो है इस तरह की बयानबाजी कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष ने सत्ती की जुबान काटने वाले को इनाम देने की घोषणा करने वाले कांग्रेस नेता विनय शर्मा को भी गलत ठहराया, जबकि ऐसी ही भाषा का प्रयोग करने वाले कांग्रेस के पूर्व विधायक नीरज भारती को उनके द्वारा पार्टी सदस्य नहीं होने के दावे के बाद भारती और उनके परिवार द्वारा पलटवार करके उनके दावे को गलत कहने के बाद उठे विवाद को चुनाव के बाद कुछ कहने की बात कही और इस पर टिप्पणी करने से बचते दिखे। जिस तरह से पूर्व एडिशनल एडवोकेट जनरल जो है विनय शर्मा, वो लगातार जो है टिप्पणियां कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कि भाजपा के अध्यक्ष सतपाल सत्ती की जो जुबान काट के लाएगा उसे 20 लाख दूंगा, पहले 10 लाख कहा था, 20 लाख कहा, वहाँ उसको कहाँ तक जाए? देखिए, बिल्कुल ठीक नहीं है, और वो तो स्वयं अधिवक्ता है, और अधिवक्ता को समझना चाहिए कि इस तरह की भाषा का प्रयोग हमको किसी ढंग किसी भी व्यक्ति के लिए हमें नहीं करना चाहिए। सर, जिस तरह से भाजपा का कहना है कि कांग्रेस जो है वो इसमें दोहरा चरित्र कांग्रेस का सामने आ रहा है, जब नीरज भारती ऐसी टिप्पणियां करते थे तो उनको कुछ नहीं कहा जाता था, अब जो है हो हल्ला। देखिए,
जब इन भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष का बयान आया, उसके बाद मैंने अपनी पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं नेताओं को हिदायत दी कि कोई भी ऐसा बयान जारी ना करें जिससे हमारा जो प्रदेश है, जो अपनी शांत स्वभाव के लिए, अच्छे स्वभाव के लिए जाना जाता है, जिससे जो है लोगों में कोई गलत संदेश जाए। मैं और काफ़ी हमारे पार्टी के लोगों ने, सभी लोगों ने अमल भी किया। मेरा ये कहना कि कोई भी व्यक्ति, चाहे कोई भी हो, इस तरह की अगर भाषा का जो है उपयोग करता है, बिल्कुल गलत। सर, आपने नीरज भारती की जो सदस्यता पर सवाल उठाए थे, लेकिन उनके पिता का ये कहना कि आज दिन तक वो है और आपको ये कहा कि आप गलत बोल रहे हैं। देखिए, मैं अभी चुनाव में जा रहा हूँ, मैं प्रदेश का अध्यक्ष हूँ, हमारे सामने प्रायोरिटीज अलग हैं। इसकी बात जो है हम 19 तारीख के बाद करेंगे, चुनाव के बाद करेंगे।